नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। रिसेंटली Xiaomi की तरफ से MIUI 12.5 का जो एनहांस वर्जन है उसे रिलीज किया गया है, एनहांस एडिशन को रिलीज किया गया है। बट इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं MIUI 12.6 के बारे में। हमारे पास है दोस्तों Redmi Note 7 और Redmi Note 7S के अंदर भी दोस्तों ये जो रॉम है काम करेगा। एंड इसके अंदर हमने MIUI 12.6 Xiaomi EU का जो बिल्ड है उसे इंस्टॉल करके रखा है। माई डिवाइस के अंदर चलते हैं, देखिए पा रहे हो Redmi Note 7 है एंड यहाँ पर MIUI 12.6 by Xiaomi EU। एंड ऑल स्पेक्स की अगर बात करूँ हमें जो वर्जन देखने को मिलता है एंड्रॉइड वर्जन है एंड्रॉइड 11, जो काफी बढ़िया बात है। काफी बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग फीचर्स को भी यहाँ पर डाल दिया गया है। सबसे पहले जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है उसमें गौर कीजिएगा, यहाँ पर हमें मे का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो देखने को मिल गया है। जो कनर यहाँ पर यूज किया गया है अपने Redmi Note 7 के अंदर Nexus HMP ओल्ड वर्जन 12.1 कर्नल को यूज किया गया है। जो Nexus कर्नल है काफी ज्यादा पावरफुल कर्नल है। सबसे पहले बात कर ले दोस्तों, ये जो रॉम है दोस्तों इस रॉम के अंदर बहुत सारी MIUI का जो सिस्टम एप्लीकेशन है उसे हटा दिया गया है। आपको यहाँ पर बहुत सारी जो सिस्टम एप्लीकेशन है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है इस बिल्ड के अंदर। हमें जो MI का साउंड जो म्यूजिक प्लेयर देखने को मिलता था, MI का जो म्यूजिक प्लेयर उसे हटा के अभी फिलहाल सोनी का जो म्यूजिक प्लेयर है उसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। कुछ इस तरह से आपको जो सोनी का म्यूजिक प्लेयर है वो देखने को मिलता है। एंड वर्जन भी आप देख सकते हो, सिंपली इसे ओपन करते हैं एंड ओपन करते दोस्तों आपको यहाँ पर नो थैंक्स करना होगा। एंड देख सकते हो आपको यहाँ पर जो सोनी का जो म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन से उसे डाल दिया गया है। यहाँ से आप सोनी का जो म्यूजिक प्लेयर है उसे आप यूज कर सकते हो गाना फाना सुनने के लिए, जो ये काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो फाइल मैनेजर मिलता है MIUI 13 का जो फाइल मैनेजर है उसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। सो MIUI 13 का जो फाइल मैनेजर है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। काफी बढ़िया आपको यहाँ पर फाइल मैनेजर जो है देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से MIUI 13 का जो फाइल मैनेजर है उसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। नेक्स्ट जैसे कि आपको मैंने बोला बहुत सारी सिस्टम एप्लीकेशन को यहाँ से हटा दिया गया है। इस तरह से दोस्तों जो MIUI का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसे भी हटा दिया गया है, उसे रिप्लेस करके ये वाला जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसे डाल दिया गया है। जैसे देख पा रहे हो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है आपको प्ले स्टोर के अंदर देखने को मिल जाती है, काफी बढ़िया है। एंड इसे इम्प्लीमेंट करने से आपका जो ओवरऑल है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो एक्सपीरियंस है और भी बढ़िया हो जाएगा। तो आपको MIUI का स्क्रीन रिकॉर्डर हटा के ये वाला जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एप्लीकेशन है इसे डाल दिया गया है। ये जो बिल्ड है दोस्तों Redmi Note 8 से पोर्ट करके दिया गया है अपने Redmi Note 7 के लिए। मैंने बोल दिया 1+8 क्या बात है। एनीवे बहुत सारी अननेसेसरी एप्लीकेशंस था जो कि जरूरत नहीं था उसे रिमूव करके दिया गया है। एंड क्लीन फ्लश किया करने के रिकमेंडेशन किया गया है डेवलपर की तरफ से। अगर आप इस रॉम को फ्लश करते हो अपने Redmi Note 7 के अंदर तो मेक श्योर करना आप क्लीन फ्लश करते हो इस बिल्ड को, वरना दोस्तों ये जो बिल्ड है आपके फोन के ऊपर शायद फ्लैश ना हो। एंड पहली दफा जब इस रॉम को आप बूट करोगे तो आपको 10-15 मिनट तक टाइम लग सकता है पहली बूट के अंदर, तो इसलिए मेक श्योर करना आप आराम से फोन को रिबूट टू सिस्टम करके छोड़ देते हो 10-15 सेकंड के लिए। एंड उसके साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स भी ऐड करके दिए गए हैं, जैसे कि मेमोरी एक्सटेंशन फीचर। सो मेमोरी एक्सटेंशन जो फीचर्स है उसे ऐड करके दिया गया है। सो अपने जो Redmi Note 7 है उसके अंदर आप मेमोरी एक्सटेंशन फीचर्स को यूज कर सकते हो। नाउ मेमोरी एक्सटेंशन फीचर है क्या, पहले कहाँ से इनेबल करना होगा, जाना होगा एडिशनल सेटिंग्स के अंदर, देन आपको देखने को मिलेगा मेमोरी एक्सटेंशन। सो मेमोरी एक्सटेंशन फीचर्स के अंदर जैसे कि आपका जो Redmi Note 7 है उसके अंदर है 3GB वाला रैम, तो 3GB रैम वाला रैम है और आपको 32GB का जो इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हो जो इंटरनल स्टोरेज है उसे आप यूज करना चाहते हो एज ए रैम तो मेमोरी एक्सटेंशन फीचर्स काम में आता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो मेमोरी एक्सटेंशन फीचर्स है Redmi Note 7 के अंदर काम नहीं करता। जैसे देख पा रहे हो एट 0GB ऑफ रैम बाई ऑक्यूपाइड स्टोरेज, यूज दिस फीचर ऑनली व्हेन देयर इज इनफ स्टोरेज अवेलेबल इन योर डिवाइस। मतलब जो अपना इंटरनल स्टोरेज है उसे एज ए रैम की तरह यूज कर सकते हो, वर्चुअल रैम की तरह यूज कर सकते हो। ये जो मेमोरी एक्सटेंशन फीचर है और जो वर्चुअल रैम है अभी काफी ज्यादा जो है चर्चा का विषय है। काफी सारी मैन्युफैक्चर जो है इस वर्चुअल रैम को ऐड कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली Redmi Note 7 के अंदर जो वर्चुअल रैम है उसको काम नहीं करता है, वर्चुअल रैम जो है काम नहीं करता है, मेमोरी एक्सटेंशन फीचर जो है काम नहीं कर रहा है। मेरे पास जो वेरिएंट है 3GB का वेरिएंट है उसके अंदर ये चीज जो है काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हमें स्क्रीन टाइम विजेट्स उसमें डाल दिया गया है। इसे कहते हैं दोस्तों स्क्रीन टाइम विजेट्स, आप कितना देर अपने फोन की यूज किए हो, कितना देर अपने फोन की यूज किए हो वो आपको यहाँ पर देने को मिल जाएगा। स्क्रीन विजेट्स को ऐड करने के लिए जाना होगा आपको विजेट्स के अंदर, देन आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन टाइम विजेट्स। कहाँ पर गया भाई सब, ओके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन टाइम विजेट्स। उसके साथ साथ दोस्तों आपको स्टेप विजेट्स को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ अपडेटेड एप्लीकेशन के अंदर भी चेंजेस किया गया है, जैसे कि आपका जो अपडेटेड एप्लीकेशन है मतलब ये जो रॉम है दोस्तों ये आप पुराना बिल्ड से भी अपडेट कर सकते हो इस बिल्ड के अंदर। एंड जो डाउनलोड स्टेबिलिटी है उसको भी ऑप्टिमाइज एंड इम्प्रूव करके दिया गया है। जो
टैपिंग नोटिफिकेशन है दोस्तों न्यू वर्जन का डाउनलोड व्यू के अंदर, उसे भी फिक्स करके दिया गया है। जो यूआई जो है दोस्तों अभी फ्रीज नहीं हुआ, ऐसे कि क्रोम एप्लीकेशन जो है फ्रीज हो जा रहा था, वो अभी फ्रीज नहीं होगा इस बिल्ड के अंदर। तो ओवरऑल ये जो बिल्ड है दोस्तों काफ़ी सही है। अगर आप MIUI 12.6 का मजा लेना चाहते हो इस बिल्ड के अंदर, तो इसके अंदर ले सकते हो। ये जो बिल्ड है थोड़ा सा पुराना हो गया है, क्योंकि दोस्तों ये जो वर्जन है MIUI का आप देख ही पा रहे हो 28.11 का बिल्ड हमें देने को मिलता है। तो 11 अगस्त का बिल्ड है एंड अभी जो है अगस्त का महीना खत्म भी हो चुका है। सो बट कोई बात नहीं दोस्तों। एंड अगर बात करूँ कैमरा एप्लीकेशंस की, तो यहाँ पर हमें जो कैमरा एप्लीकेशंस भी देखने को मिल जाती है। स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन से बड़े बड़े तरीके से काम करता है। जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट मोड भी यहाँ पर हमारा काम कर जा रहा है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। एंड मोड के अंदर भी हमें यहाँ पर नाइट मोड, जो शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, इस तरह के जो फीचर्स है इसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अगर बात करें यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो चलते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। ओ भाई साहब, ओके, वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन था उसमें डाल दिया गया है। यहाँ पर आपको फुल HD 30 FPS 4K का ऑप्शन नहीं है, बट फुल HD 60 FPS का जो ऑप्शन है उसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो ये सभी जो ऑप्शन है, जिस तरह से हमें स्टॉक कैमरा देने को मिलता है, उस तरह से ये भी देखने को मिल गया है। नाउ अगर बात करो दोस्तों यहाँ पर बैटरी बैकअप के बारे में, सो बैटरी बैकअप इस रॉम का काफ़ी बढ़िया है। आपको जो है बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया देने को मिल जाती है। बैटरी के अंदर ज़्यादा ड्रेन करने इशू नहीं है। एक्चुअली दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये जो रॉम है दोस्तों परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर हमें हैंग एंड लैग दोनों ही बड़े तरीके से देखने को मिलता है। एंड रैम मैनेजमेंट भी इतना बढ़िया नहीं है। रैम मैनेजमेंट भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेकार देने को मिल जाती है। कुछ स्क्रीनशॉट मैं शेयर करना चाहूँगा जो कि मैं बेंचमार्किंग एप्लीकेशन के साथ मैंने क्लिक किया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों पर मैजिक के अंदर से। हमने मैजिक हाइड को इनेबल कर दिया है। उसके बाद जो बैंकिंग एप्लीकेशन है बड़े बात काम कर रहा है, गूगल पे, फोन पे, SBI, UNO, इस तरह के एप्लीकेशन बढ़िया काम कर रहा है। एंड अगर बात करूँ यहाँ पर गीकबेंच की, तो सिंगल कोर के अंदर 317 देने को मिला है। मल्टी कोर के अंदर 1260 का जो स्कोर है देने को मिल गया है। देखिए बारे में नेक्सस कैनल है, हमने कैनल को चेंज नहीं किया है। एवरेज से कम हमें स्कोर देने को मिला है मल्टी कोर एंड सिंगल कोर दोनों के अंदर ही। एंड यहाँ पर जो 3D मार्क है दोस्तों काम नहीं कर रहा है। 3D मार्क के अंदर जो है इसका सपोर्ट नहीं है। बट हमने जो सिंगल शॉट है इसको टेस्ट किया था, 1957 का जो स्कोर देने को मिला है। बाकी आप स्कोर आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर सिंगल शॉट के अंदर स्कोर देने को मिल गया है। अगर बात करूं सीपीयू थर्लिंग की, मैक्स गया है 125, एवरेज है 121, मिनिमम है 107। सो ओवरऑल दोस्तों जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है इस रॉम का, वो ठीक ठाक देने को मिल जाती है। एक्चुअली दोस्तों ये जो MIUI है इसके अंदर लैग हैंग बड़े तरीके से होता है। एंड रैम मैनेजमेंट भी बढ़िया नहीं है। बैटरी बैकअप को भलिया बढ़िया देखने को मिल जाती है, बट जो परफॉर्मेंस है आपको एकदम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। सो अगर आप MIUI 12.6 का मजा लेना चाहते हो अपने रेडमी नोट 7 के अंदर, तो ये जो बिल्ड है इस बिल्ड को फ्लैश कर सकते हो, बट आपको परफॉर्मेंस इस बिल्ड के अंदर देने को नहीं मिलता है। एंड अगर बात करूँ गूगल कैमरा, सो गूगल कैमरा भी यहाँ पर बड़े तरीके से काम कर जाता है। मैंने गूगल कैमरा भी टेस्ट करके देखा है। देखो गूगल कैमरा ये वाला कौन सा वाला बिल्ड है, GCam 8.2 है, बढ़िया काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। एंड गूगल कैमरा काम करता है। कैमरा ट्यूब के अंदर लेवल 3 का भी सपोर्ट आपको देने को मिल जाती है, बढ़िया है। एनीवे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।